हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम एक सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में तैयार कर सकते हैं और उसमें हम ऑटो नंबर को कंट्रोल करेंगे। हालांकि ऑटो नंबर पर आधारित और भी वीडियोस मैंने बनाया है, लेकिन ये वीडियो और भी खास है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करा है। ये एक सॉफ्टवेयर मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे ही हम 70001 यानी 70001 से हम शुरू करते हैं और 101 जो है ये यहाँ पे जो 101 लिखा हुआ है ये यूपी का मान लीजिए कोड है, ठीक है, ये यूपी का कोड है। इस लॉकडाउन में बीएड का एग्जाम चल रहा है तो एक सोचा मैंने कि क्यों ना इस पे भी एक वीडियो क्रिएट किया जाए कि हम कैसे अरेंज करेंगे, सारा डेटा मैनेजमेंट कैसे करेंगे, कैसे रोल नंबर इश्यू होगा, उसका एक आउटलाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक छोटा सा डेमो दिखाना चाह सकते हैं। ये हमारा जो रोल नंबर है वो 70001 से शुरू हुआ है, यहाँ पे देखिए तो 70001 से शुरू हुआ है और 101 यूपी का कोड है। अब यहाँ पर एस आ रहा है, यहाँ यूपी लिखा हुआ आना चाहिए लेकिन एस आ रहा है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आ जाइए आप जनरल ऑप्शन पे क्लिक करके, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एस लिखा हुआ है तो यहाँ एस आ रहा है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ यू पी, अब मैंने यहां यूपी लिख दिया है। अब यहां से ओके प्रेस करता हूं और यहां से यस करता हूं तो यहां पे देख सकते हैं यूपी लिखा हुआ अब आ रहा है और 101 मान लीजिए यूपी का कोड है। अब यूपी बीएड का एग्जाम चल रहा है तो इस तरह से रोल नंबर कुछ जारी होता होगा, यहां से एक से चालू होगा, फिर दो तीन चार ऐसे करके होगा। अब मान लीजिए यहां पर आप लिखते हैं रितेश, तो ये अलग स्टूडेंट का नाम हो गया और यहाँ 70004 जो रोल नंबर है वो रितेश का हो गया। अब इनका जहां भी सेंटर जाएगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सेंटर गया बलिया में तो यहाँ बलिया लिख दिया हमने, और मान लीजिए कि फिर यहाँ पर आए और अब ये है नीतू, ठीक है, अब इनका जो है 7005 हो गया। और अगर यहां से देखिए आप ये जो है यहाँ पे 101 ही कोड चल रहा है यहाँ पे। अब मान लीजिए इनका जो मऊ, तो यहां लिख देता हूं मऊ, ठीक है, इस तरह से ये चलेगा। और अगर आप इसमें चेंजिंग करना चाहेंगे तो इसमें चेंजिंग आप नहीं कर पाएंगे, ये एक ही रहेगा। अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एसक्यूएल कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड कैसे लिखा जाएगा वो एक अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने कोड लिखने के ऊपर, एसक्यूएल कोड के ऊपर रैंक को लेकर के वीडियो डाला है, और चाहे तो आप देख सकते हैं जाकर के हमारे चैनल पे। और इसके अलावा भी ऑटो नंबर को कंट्रोल करने के बहुत सारे वीडियोस एसक्यूएल के माध्यम से भी मैंने डाल रखे हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। अब जैसे ही आप फिर यहां पे जाएंगे और मान लीजिए यहां पे लिखा हमने सिटी, मान लीजिए हो गया इसका देवरिया, तो यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं ये 6-7 ये नंबर वाइज चलता आ रहा है, 70001, 70002, 70003, 70004, और ये सेंटर जहां जा रहा है इन लोगों का वो इस हिसाब से चल रहा है। तो इस तरीके से हम एक छोटा सा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।